किसी भी देश की मीडिया का काम होता है अपने दर्शकों तक खबरों को पहुंचाना और उन्हें सच दिखाना। मीडिया के पास सरकार को सुझाव देने का भी अधिकार है और सरकार की गलत नीतियों को लेकर सरकार की आलोचना करना भी उसका कर्तव्य है। लेकिन अफसोस, भारतीय मीडिया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक भारतीय न्यूज चैनल्स पर सरकार को नीति बनाने के सुझाव नहीं बल्कि सरकार को नीति बनाने के आदेश दिए जाते हैं। इन न्यूज चैनल्स के स्टूडियोज में ही सरकारी नीतियों को बनाने का काम किया जाता है और फिर उन्हें सरकार पर थोपने की कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है मानो सभ्यता और भारतीय मीडिया में कोई सालों पुरानी दुश्मनी हो। भारतीय मीडिया के ऐसे बर्ताव से केवल भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और ऐसा ही हमें मंगलवार को अमेरिका में देखने को मिला। मंगलवार को अमेरिका में जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो भारतीय मीडिया चीख चीख कर उनसे सवाल पर सवाल पूछ रही थी। कुछ पत्रकार अपना सवाल पूछने के लिए जहां जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो कुछ पत्रकार ऐसे भी थे जो सवालों की बौछार कर रहे थे। इसे देखकर खुद पीएम मोदी भी परेशान दिखाई दिए। इसी बीच एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि पाकिस्तान में आतंक के कैंप चलाए जा रहे हैं, उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या कहना है? सर, यू बीन टॉकिंग अबाउट यू नो क्लैंपिंग डाउन ऑन टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। पाकिस्तान हैज बीन द ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म सर। You spoke about it in Houston. How do you make sure that you clamp down on terrorism from Pakistan? Because that is posing threat to democracies like the US and India. Even the business interests suffer because of continuing terrorism. इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से कहा कि वे ऐसे रिपोर्टर्स कहां से लेकर आते हैं। दरअसल अभी जहां पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने की दिशा में कदम उठाने के लिए भारत सरकार को आग्रह कर रही है, तो वहीं भारतीय मीडिया के प्राइम टाइम का मुद्दा अब भी पाकिस्तान ही होता है। पाकिस्तान के साथ हर वक्त तनाव की स्थिति में रहना ही शायद भारतीय मीडिया की टीआरपी की भूख का इलाज है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भारत आज महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तो वहीं भारतीय मीडिया आज भी पाकिस्तान को लेकर ही अपनी खबरें करना चाहती है। और जब भी कभी उसे किसी वैश्विक नेता से कोई प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, तो उनके सभी सवाल पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पर ही खत्म हो जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से अब तक भारतीय मीडिया की भूमिका को अहम माना जाता था, परंतु वर्तमान में भारतीय मीडिया की पत्रकारिता बेहद उबाऊ, विनम्र और ऊर्जा विहीन हो चुकी है। न्यूज चैनल्स और खुद को वरिष्ठ पत्रकार कहने वाले केवल अपना एजेंडा साधने और ऐसे मुद्दों को तूल देने में व्यस्त रहते हैं जिससे पत्रकारिता की गुणवत्ता नहीं टीआरपी में उछाल आए। टीआरपी की दौड़ ने तथ्यों को दरकिनार किया है और बनावटी और पक्षपाती खबरों ने अपनी जगह को मीडिया के क्षेत्र में मजबूत किया है। ये टीआरपी की भूख ही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और किन सवालों को महत्व देना चाहिए, इसकी समझ भी आज के पत्रकारों में देखने को नहीं मिलती है। ट्रंप का ये कहना कि ऐसे रिपोर्टर्स कहां से लेकर आते हो, अपने आप में भारतीय मीडिया के लिए शर्मनाक है और देश के प्रधानमंत्री को भी इस शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है। चीख चीख कर सवाल करने वाले हमारे पत्रकारों को अपनी पत्रकारिता का आकलन करना चाहिए। वास्तव में भारतीय मीडिया को अपने स्तर में सुधार लाने की जरूरत है। केवल टीआरपी के लिए निम्न स्तर की रिपोर्टिंग करना भारतीय मीडिया का नया फैशन बन चुका है और मीडिया का यही रवैया भारत के बाहर भी जारी रहता है। किस वक्त क्या सवाल पूछना है, भारतीय मीडिया को आज तक ये समझ नहीं आया है। एक तरफ जहां ये मीडिया कई बार मोदी सरकार की कूटनीति को लेकर सवाल उठाता है, तो वहीं यही मीडिया खुद पूरे विश्व में भारत की छवि को बदनाम करने का काम करता है। भारतीय मीडिया को अब ये समझ लेना चाहिए कि चीखने चिल्लाने से नहीं बल्कि बढ़िया स्तर की रिपोर्टिंग से ही भारत की छवि को बेहतर करने में मदद मिलेगी।